नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यम दे, मेडिसिन स्पेशलिस्ट कलकत्ता से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक को लेके आप लोगों के साथ मैं बात करूँगा वो है IMC की श्री तुलसी ड्रॉप। एक अनोखा प्रोडक्ट है, एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, एक रिवोल्यूशनरी हेल्थ सप्लीमेंट है। ये श्री तुलसी जो है ये 5 टाइप की तुलसी से बनी हुई है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी एंड बन तुलसी। ये तुलसी ड्रॉप में 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, 3 एक्टिव मॉलिक्यूल्स पाया जाता है इसमें। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है वो दैट इज कॉल्ड इजेनॉल बोलते हैं उसको। ये इसमें काफ़ी मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च टेक्सास यूनिवर्सिटी ने इसको एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के तौर से इसको घोषित किया है। कैंसर को कंट्रोल करने की बहुत क्षमता रखता है ये। और इसमें जो सेकेंड मॉलिक्यूल है दैट इज सियोलॉल, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसमें, ये शरीर में कहीं पे भी शरीर का कोई भी हिस्सा में अगर कोई सूजन हो, जो रेगुलर बेसिस में जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग का लाइफस्टाइल है, जो अपना सेल डेवलपमेंट होता है अपना शरीर में, सेल का जो डिविजन होता है उसके चलते शरीर में बहुत सारा वायर एंड टियर चलता है, उसमें बहुत इन्फ्लामेशन होता है इंटरनल ऑर्गन में, तो वो इन्फ्लामेशन को ये श्री तुलसी टेक केयर करता है। कोई भी बीमारी जिसमें आइटिस वर्ड लगी हुई है, जैसे ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब में ये श्री तुलसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये श्री तुलसी अगर रेगुलर बेसिस पे कोई अपना डाइट के तौर पे लेता है तो ये सब इन्फ्लेमेशन से वो बच सकता है इसमें। और जो तीसरी मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड कैफीन, ये नेचुरल एक पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर जिसको बोलते हैं कैफीन। ये आप लोग हमेशा अक्सर ये देखे होंगे कि कभी कुछ हेडेक होता है, कुछ स्ट्रेस होता है, तब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या चाय के खोज में निकल पड़ते हैं। और थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं तुरंत आप महसूस किए होंगे कि आपका हेडेक जो है सबसाइड कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चाय जो कॉफ़ी हम लोग पीते हैं उसमें कैफीन होता है, जस्ट नेचुरल पेन किलर जैसे श्री तुलसी में है। इसी ये पीने से आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो हेडेक है, आपका जो पेन है वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। तो और इससे आगे इसमें फ्लेवोनॉइड्स बोल के एक चीज़ पाया जाता है, जो जिसको हम लोग फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे ग्रीन टी, जो अभी हेल्थ इंडस्ट्री में काफ़ी रिवोल्यूशन लाया है। ग्रीन टी पीने से बॉडी वेट रिडक्शन होता है। तो ग्रीन टी में है क्या? ग्रीन टी में है ये फ्लेवोनॉइड्स जो है इंसान के शरीर में जो अनवांटेड फैट सेल्स है, जो कोलेस्ट्रॉल्स है, जो आपका ब्लड वेसल्स है उसके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमी रहती है उसको निकाल देता है, उसको साफ करता है बॉडी से। तो इसके चलते क्या होता है, शरीर में हार्ट अटैक होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। इसमें और एक चीज़ पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एल्कालॉइड्स। एल्कालॉइड्स क्या है? जैसे हम लोग को शरीर को चलाने के लिए जो हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसी तौर से अपने शरीर में नाइट्रोजन का भी बहुत भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ता है। एल्कालॉइड्स जो है ये नाइट्रोजन कंपाउंड है जो अपना शरीर में नाइट्रोजन को सप्लाई करता है। ये श्री तुलसी में वाटर प्यूरिफिकेशन का एक बहुत बड़ा भूमिका है। जैसे हम लोग रास्ते में निकलते हैं, कभी सबके बस का बात नहीं होता है कि कभी हमेशा मिनरल वाटर खरीद के पी ले, क्योंकि आजकल मिनरल वाटर में भी बहुत सारा मिलावटी आ गया है। तो आप रास्ता में चलते चलते कोई भी नॉर्मल टैप वाटर अगर अपने बॉटल में डाल लेते हो और उसमें अगर एक बूंद अपना जो तुलसी ड्रॉप है उसको डाल देते हो, तो 1 लीटर पानी को वो तुरंत विद इन 10 मिनट्स वो उसको एकदम क्लियर कर देते। उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा, उसमें कोई हैवी मेटल्स अगर होगा, हैवी पॉइजनस कोई मेटल्स होगा, उसको ये श्री तुलसी जो है उसको डिसॉल्व कर देता है। और एक चीज़ है इसमें एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी है अपना ये श्री तुलसी ड्रॉप में। वो एंटी हिस्टामिनिक क्या है? आप लोग अक्सर ये भी देखे होंगे कि नॉर्मल जो सीजन चेंज होता है उसमें सर्दी जुकाम लगा ही रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं अपना जो लोकल फार्मेसी है वहाँ पे जाके ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद लेते हैं कि भाई हमको थोड़ा सा एलेग्रा दे दो या सिप्रोजिन दे दो, जिसका जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है जिसका बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, ड्राउजीनेस होता है वो खाने से, कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन अगर उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो श्री तुलसी से, जिसमें बहुत बड़ा एक एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट है, कोई भी शरीर में कहीं पे भी कोई भी एलर्जी हो ये श्री तुलसी उसको कंट्रोल करता है। और एक चीज़ इसमें है, इसमें जो है किडनी स्टोन जो होता है, यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा होने के चलते
जो अपना बॉडी में यूनिक स्टोन बनता है किडनी में, उसको डिसॉल्व करने में ये तुलसी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुलसी एक स्ट्रेस रिलीफ फैक्टर के तौर से ये काम करता है। जैसे स्ट्रेस क्या होता है, जब अपना बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, जब अपने इंसान के शरीर में अगर स्ट्रेस होता है उसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, श्री तुलसी जो रेगुलर बेसिस पे पीता है वो कॉर्टिसोल लेवल को कम डाउन करता है, कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस में रखता है। इसमें एक मजेदार चीज़ एप्लीकेशन भी है कि मॉस्किटो रिप्लिकेंट के तौर से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी एडवेंचर कैंप में जाते हो जहाँ पे मॉस्किटो बहुत सारे होते हैं, तो अगर वहाँ पे आप अपना जो एक्सपोज्ड प्लेस है, जो आप जो कपड़े पहने हुए हो, जहाँ पे आपका हाथ ढकी हुई नहीं है, पैर ढकी हुई नहीं है, उस जगह पे अगर आप बॉडी लोशन में दो ड्रॉप तुलसी मिला के अगर उसको लगाओगे तो उसमें आपको मॉस्किटो बाइट से भी आप बच सकते हो, इसी हिसाब से आप मलेरिया डेंगू से भी बच सकते हो। तुलसी हम लोग बहुत सारे बुखार, सर्दी बुखार में भी दे सकते हैं। कोई भी बुखार हो या वायरल फीवर हो, डेंगू हो, मलेरिया हो या नॉर्मल बैक्टीरियल फीवर हो, उसमें हम लोग ये तुलसी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी का और एक यूज़ है जिसके सर में बहुत सारे डैंड्रॉप्स होते हैं, उसमें अगर अपना नॉर्मल हेयर ऑयल के अंदर दो ड्रॉप तुलसी ड्रॉप मिला के अगर वो हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो आप डैंड्रॉप से बच सकते हो। जिसके फेस में बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, जो हार्मोनल कारण से भी हो सकता है, अगर हार्मोनल कारण से नहीं है, कोई इन्फेक्टिव कारण हो जिसमें एक थोड़ा पिंपल्स हुआ या कुछ स्किन इरप्शन हुआ, उसमें भी आप तुलसी यूज़ कर सकते हो। ये तुलसी बहुत बहुत अनोखा काम करता है। वो 24 आवर्स में तुलसी अगर यूज़ करोगे 24 आवर्स में वो इरप्शन या पिंपल्स सबसाइड हो जाता है। और जो लोग स्वस्थ है, जो लोग हेल्दी है, वो लोग तुलसी अपना डेली डाइट में ले ही सकते हैं। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुना पानी में दो ड्रॉप तुलसी पीजिए, फिर रात में सोने के टाइम में गुनगुना पानी में दो ड्रॉप तुलसी पीजिए। अगर किसी का कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन लोगों के लिए तुलसी रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद दो दो बूंद करके पीजिए। और तुलसी का और एक अनोखा यूज़ है, जैसे इंसोम्निया में, जैसे जिसको नींद नहीं आती है, जैसे नींद का जिसको तकलीफ है, रात में बेड पे तो चले जाते हैं लेकिन करवट लेते रहते हैं, कभी भी नींद नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए तुलसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे बीमारी में आप एक कप गुनगुना पानी में 4-5 ड्रॉप तुलसी डाल के रात में खाने के बाद सोने से पहले आप पी लीजिए, तो आपको बहुत गहरा नींद आएगा, बहुत साउंड स्लीप होगा। अभी जो हम बोलेंगे कि तुलसी यूज़ कहाँ करना नहीं है, तुलसी यूज़ करने का जो एज लिमिट है दैट इज़ 7 ईयर, 7 साल के नीचे कोई बच्चा तुलसी नहीं पी सकता है, या कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे को दूध पिला रही है, वो लेडी ये तुलसी नहीं पी सकती है। और शरीर के कहीं भी हिस्से में आप तुलसी यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट आइज, आँख में तुलसी का कोई यूज़ नहीं है, आँख में आप तुलसी डाल नहीं सकते हो। अदरवाइज आप तुलसी कहीं पे भी आप यूज़ करो, तुलसी एक जीवनदायी मेडिसिन है, एक जीवनदायी हेल्थ सप्लीमेंट है, जिसको आप यूज़ करने से आपका फैमिली स्वस्थ रह सकता है। और तुलसी पीने से 2 घंटा पहले या तुलसी पीने के 2 घंटा बाद दूध कभी भी मत पीना, ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और आगे ऐसा ऐसा वीडियो आते रहेगा, कोशिश करेंगे आपको और ऐसा जानकारी देते रहेंगे, ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में हम लोग वीडियो भेजते रहेंगे। आप लोग अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये जो पास में बेल बटन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, तो अपना जो वीडियो लोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि आप उस वीडियो के थ्रू जब आपका जानकारी मिले, ये आप अपना फैमिली को और तंदुरुस्त बना सके और हेल्दी बना सके, सो दैट आगे जाके एक अच्छा सोसाइटी हम लोग बना पाएंगे, सो दैट आगे जाके हेल्दी अपना नेशन भी बना पाएंगे, खुश रहेंगे, अच्छा रहेंगे, स्वस्थ भारत बनाने में मदद कीजिएगा।